नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित सोलंकी, आई स्पेशलिस्ट इंदौर से। आज हम बात करते हैं मॉनसून और पोस्ट मॉनसून सीजन में होने वाली आई प्रॉब्लम्स और उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। मॉनसून की सीजन में ज़्यादातर एलर्जी और इन्फेक्शन के केसेस बढ़ जाते हैं। एक शोध के अनुसार अन्य सीजन के मुकाबले मॉनसून में आँखों के इन्फेक्शन के केस करीब करीब 40% से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि मॉनसून अपने साथ वातावरण में ह्यूमिडिटी लेके आता है और ये ह्यूमिडिटी जो है वो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें इन ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ज़्यादा रैपिडली होता है। यही वजह है कि आँखों में के संक्रमण के जो केसेस है वो मॉनसून सीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खास करके उसमें देखा जाए तो कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि जो गुलाबी आंखें बोलते हैं या आंखें आना, इसके केसेस मॉनसून के सीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें आंखें लाल होना, आंखों में सूजन होना, पानी आना, आंखों में से गीचड़ निकलना वगैरह प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग कंजंक्टिवाइटिस होते ही खुद से सेल्फ मेडिकेशंस लेते हैं जिसमें बहुत सारे ओवर काउंटर फार्मेसी से स्टीरोइड्स के ड्रॉप मिलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए कंजंक्टिवाइटिस जैसी सामान्य बीमारी को भी सेल्फ मेडिकेशन से ट्रीट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब कंजंक्टिवाइटिस होता है तो वो घर के या आसपास के दूसरे सदस्यों को भी रैपिडली फैलता है। उसके लिए हमें, इसके बचाव के लिए ध्यान रखना है कि आपकी जब भी आप अपनी आंखों को या फेस को टच करते हो तो तुरंत अपने हाथ साबुन से आपको धो लेने चाहिए। अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स घर के किसी सदस्य के साथ में या अपने कलीग के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपका हैंडकी हो गया, आपका टॉवेल हो गया। लड़कियों के लिए खास करके आपका आई मेकअप भी अपने कलीग के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और मॉनसून में खास करके लड़कियों के लिए सलाह है कि वो जो वाटरप्रूफ आई मेकअप साथ है वो यूज़ करने चाहिए। उसके बाद दूसरी जो समस्या कॉमन देखने को मिलती है वो होती है आँखों की एलर्जी। आँखों की एलर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है इचिंग। आँखों में बहुत ज़्यादा खुजल आती है, तो उसमें भी बहुत सारे अपनी आँखों के लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स और एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होते हैं जो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको लेने चाहिए। तीसरी समस्या है जिसको हम स्टाई बोलते हैं, यानी कि आँखों के पलकों के अंदर इन्फेक्शन होता है जिसमें आँखों की पलकों में सूजन हो जाना या उसमें पस हो जाता है। ये स्टाई के इन्फेक्शन भी मॉनसून में देखने को मिलते हैं। और इन सब सामान्य बीमारियों के साथ साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जिससे आँखों की रोशनी जाने का भी खतरा है वो है कॉर्निया का अल्सर। हमारी आँखों का जो सबसे बाहरी भाग है, जो जिसको हम आँखों का हीरा बोलते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन होकर कॉर्निया का अल्सर हो जाता है तो उसको अगर हमने सही समय पे उसका इलाज सही तरीके से नहीं किया तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए मॉनसून में? हमें हमारी आसपास कोई हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमारे बार बार हमारे हाथ जो है उसको भी साबुन से साफ़ करने चाहिए। अननेसेसरी आई या फेस को टच करना अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा ज़्यादातर हमने देखा है कि मॉनसून के सीज़न में हम जो भी सड़क पर चलते हैं वहाँ का जो पानी होता है वो दूषित होता है, कीचड़ होता है उसमें। तो अगर गलती से वो कीचड़ वाला गंदा पानी अगर आपकी आँख में चला जाता है तो उसको तुरंत ही साफ पानी से धो लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मॉनसून में भीगने को एंजॉय करते हैं, लेकिन बारिश की बूंदों का जब आप मजा लेते हो तो उस समय आँखें बंद रखनी चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो वातावरण के प्रदूषण के साथ मिल के नीचे आता है जो हमारी आँखों के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके अलावा बच्चों को भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस समय में एकदम कीचड़ वाली जगहों पे खेलते हैं, तो उनको इस चीज़ से अवेयर करना चाहिए और रोकना चाहिए कि कीचड़ वाला पानी जो है वो आँख के अंदर नहीं जाए। कॉन्टैक्ट लेंस वाले जो यूज़र्स हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से भी कॉर्निया का अल्सर हो सकता है। इसलिए इस सीज़न में और नॉर्मली भी कॉन्टैक्ट लेंस का हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस को ओवरनाइट पहन के नहीं सोना है और ना ही कॉन्टैक्ट लेंस पहन के कभी स्विमिंग करना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मॉनसून में हमको स्ट्रीट फूड्स या रॉ वेजिटेबल्स वगैरह अवॉइड करना है। हम हमेशा घर का ही खाना खाएं या बॉइल्ड करा हुआ ही खाना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी बॉडी को भी प्रॉपर हाइड्रेटेड रखने के लिए कम से कम 3 लीटर पानी हमको पीना चाहिए। उसके अलावा जब भी आँखों में अगर धूल, मिट्टी या कुछ भी दूषित पानी चला जाता है आँख के अंदर तो आँखों को मसलना नहीं है। आजकल है ना, आँखों को रब करने की बहुत ज़्यादा लोगों को हैबिट हो गई ड्राई आइज़ की वजह से या आँख में कुछ गिर जाने की वजह से। तो ऐसे समय में आप साफ पानी से आँखों को साफ करके तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द टेक होम मैसेज,